हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, कोरोना से बच रहे होंगे और अपने घर पे होंगे। प्लीज जब जरूरत हो तभी बाहर निकले, वरना घर पे ही रहें, घर पे बैठ के ऐसे ही सीखते रहें। आज की वीडियो में बात करेंगे हम कॉम्प्लिकेटेड जो बिल्डिंग की शेप होती है, मासिंग के थ्रू हम उस चीज को कैसे बनाते हैं, किस टाइप्स की हम शेप बना सकते हैं। तो आज एक शेप के बारे में हम बात करेंगे और आगे आने वाली वीडियो में और भी शेप्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मान लो मेरे को एक बिल्डिंग बनानी है, मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को बनाने होंगे यहाँ पे लेवल्स। लेवल क्रिएट करता हूं मैं। तो लेवल्स के लिए आपको पता है कि लेवल पे जाना है, यहाँ पे ऑफसेट लिया मैंने 10 फीट का और मैं पिक लाइन की हेल्प से यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स को क्रिएट कर देता हूं। कोई अराउंड 16 लेवल तक मैं बना देता हूँ, तो मैंने 16 लेवल बनाए। अब मासिंग पे जाने के लिए मैं लेवल 1 पे क्लिक करता हूँ और सबसे पहले मैं एक रेफरेंस प्लेन बना लेता हूँ ताकि मैं सेंटर का यहाँ से आइडिया मेरे को रहे। यहाँ पे जरूरी नहीं है रेफरेंस प्लेन बनाना, बना भी सकते हो। आपको जाना है अब मासिंग पे, क्लिक ऑन इन प्लेस मास, ओके करें और अब आप यहाँ पे एक शेप बनाए। मान लो मैंने एक शेप बनाई सर्कुलर यहाँ पे और मैंने इस शेप की साइज रखा कोई अराउंड 50 फिट। ओके, एक और मैंने यहाँ पे शेप बनाई सेम प्लेन पे, अभी बना रहा हूं मैं, उसका मैंने शेप रखा है यहाँ पे कोई अराउंड 40 फिट, नहीं अंडू किया, मैं इसको 30 फिट रखता हूँ, 30 फिट। और एक और शेप मैं बनाता हूँ यहाँ पे, मैं इसको देता हूँ कोई अराउंड 45। तो तीन शेप मैंने बनाई यहाँ पे और मैं यहाँ पे 3D पे जाता हूँ। तो अब आप देखोगे ये शेप्स एक ही प्लेन पे, एक ही लेवल पे है। इसको मैं क्या करता हूँ, जो मिडिल वाली शेप है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से लेवल चेंज करता हूँ, लेवल 8 पे ले जाता हूँ, और ये वाली शेप को मैं सिलेक्ट करके इसको ले जाता हूं मैं लेवल 16 पे। तो अब आपके पास यहाँ पे तीन शेप इस तरीके से बन चुकी हैं। आपको क्या करना है, तीनों शेप्स को सिलेक्ट करना है, क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करना है एंड सॉलिड फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सॉलिड फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो आपकी बिल्डिंग की शेप बनी है वो इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। आप इसे शेडेड करके देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके आपको इन दोनों फेसेस को सिलेक्ट करना है और आपको करना है डिवाइड सरफेस। ये सरफेस अब डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही सरफेस डिवाइड हुआ तो आप देखेंगे कुछ पैटर्न यहाँ पे बन गए। अब इस पैटर्न को मुझे अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं दोबारा से कंट्रोल प्रेस करके दोनों शेप को सिलेक्ट करता हूँ। शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे नो पैटर्न है, आप यहाँ पे क्लिक करें, यहां से आप कोई भी पैटर्न यूज कर सकते हैं, जिस भी पैटर्न में आपको आपकी बिल्डिंग की शेप चाहिए। अभी के लिए जो हम यूज करते हैं रोम्बॉइड यूज करते हैं। जैसे रोम्बॉइड यूज करेंगे तो आप बिल्डिंग्स पे देखोगे तो इस तरीके की आपकी शेप यहाँ पे बन जाएगी। अब ये जो बॉक्सेस है, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है, वो इस तरीके से मेरे को काफी बड़े नजर आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। प्रॉपर्टी में आप जाओगे तो एक होता है यू ग्रिड और एक होता है वी ग्रिड। यू ग्रिड में नंबर आम पे 12 दिए हैं, मैं इसको चेंज करके 22 कर देता हूँ एंड वी ग्रिड के भी मैं चेंज करके 22 कर देता हूँ। अब आप देखोगे अब ये शेप्स काफी छोटी बनी है और काफी अच्छी भी अभी लग रही है। एक चीज का ध्यान रखें कि दोनों के नंबर इक्वल रखें। अगर मैं एक को यू ग्रिड को 21 कर दूंगा तो वो आपस में अटैच नहीं होगा, तो दोनों के नंबर सेम रखेंगे हम। अब सेम रखने के बाद अब आपका ये पैटर्न बन चुका है। अब इस पैटर्न पे जो रेक्टेंगुलर पैटर्न है इस पे मुझे चाहिए एल्यूमिनियम का फ्रेम और मिडल में चाहिए ग्लास। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, फाइल पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, एक न्यू फैमिली क्रिएट करनी है। फैमिली क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अभी ये मैट्रिक फैमिली है, मैं इंपीरियल पे वर्क कर रहा हूँ तो इंग्लिश इंपीरियल पे जाता हूँ और कर्टेन पैनल पैटर्न बेस पे क्लिक करता हूँ एंड ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास एक पैटर्न आएगा यहाँ पे। सबसे पहले तो इस पैटर्न को सिलेक्ट करके आप रोम्बॉइड करेंगे यहाँ से जो हमने वहां पे यूज किया है। उसके बाद हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ से एक पॉइंट लेना है, पॉइंट एलिमेंट, और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सेट पे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट को आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सर्कल लेंगे और यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे जितने भी इंच का आपको एक सर्कल चाहिए। मान लो मैं यहाँ पे 7 इंच का एक सर्कल बना देता हूँ, मेरे को 7 इंच का एल्यूमिनियम का वो फ्रेम चाहिए मान लो। इसके बाद हम क्या करेंगे, कमांड से बाहर आएंगे, कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको भी और इस प्रोफाइल को भी सिलेक्ट करूंगा। करने के बाद क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करना है एंड सॉलिड फॉर्म पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पे हम मटेरियल लगाएंगे। मटेरियल के लिए मैं इसको कर्सर लेके यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा तो कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगा।
और उसके बाद आपको मटेरियल पे जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना मटेरियल पे। अब हम यहाँ पे एल्यूमिनियम का मटेरियल लगाएंगे, तो हम कर देते हैं क्रिएट न्यू मटेरियल और इसको रिनेम कर देता हूँ एल्यूमिनियम। तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे इसको क्लिक करके जो आपके एसेट लाइब्रेरी है एप्रियंस लाइब्रेरी पे जाऊंगा, मेटल पे क्लिक करना है, एल्यूमिनियम पे क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई भी एक एल्यूमिनियम पार्ट आप यूज कर सकते हो, जिस भी टाइप का आपको चाहिए बिल्डिंग की आपकी शेप, तो वही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ये वाला बिल्डिंग का मैंने यहाँ पे मटेरियल लिया, इसको ग्राफिक में जाके भी यूज रेंडर एप्रियंस कर दूंगा। ओके ओके करने के बाद आप देखेंगे अगर आप यहाँ से रियलिस्टिक करते हैं तो आपका वो मेटल का यहाँ पे प्रोफाइल आ जाता है। अब मैं यहाँ से वायर फ्रेम करता हूँ। वायर फ्रेम करने के बाद जो ये प्रोफाइल आपको ये सिलेक्ट करना है, क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करके सॉलिड फॉर्म पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और इसकी थिकनेस आप दे सकते हो मान लो 10 mm अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे, और आप मान लो आपको mm में थिकनेस चाहिए और आप वर्क कर रहे हो इंचेस में तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे 10 और उसके बाद mm प्रोवाइड कर सकते हो तो वो अपने आप ही mm में उसे कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद अब आपको यहाँ पे मटेरियल लगाना है, मटेरियल पे क्लिक करना है ग्लास का मटेरियल और इसको भी मैं एक मटेरियल यहाँ से ग्लास का सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी एक मटेरियल। ये मैंने यहाँ से मटेरियल लिया और इसको मैंने ओके किया, तो अगर आप यहाँ से रियलिस्टिक करके देखेगा तो इस तरीके का आपका मटेरियल यहाँ पे आ गया। अब इस प्रोफाइल को मेरे को लोड करना है प्रोजेक्ट में, तो आप क्लिक करें लोड इन टू प्रोजेक्ट। अब आपका यहाँ पे लोड हो चुका है प्रोजेक्ट में, आपको करना सिर्फ इतना है कि दोनों प्रोफाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे फैमिली वन के नाम से आपकी एक फैमिली बन जाएगी, आपको इस पे क्लिक करना है तो जो ये प्रोफाइल आपका ये कंप्लीटली उस प्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप देखते हैं यहाँ पे ये पूरा प्रोफाइल उस प्रोफाइल में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। क्लियर। अब ये करने के बाद आपको यहाँ से फिनिश मास्क पे क्लिक करना है। फिनिश मास्क पे क्लिक करोगे आप अपने मेन टैब में आ जाओगे, उसके बाद आपको मास्क को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे है मास्क फ्लोर, मास्क फ्लोर पे क्लिक करना है और सभी फ्लोर्स आपको लगा देने हैं तो वो सभी फ्लोर आपके इस तरीके से लग जाएंगे। और फिर आपको यहाँ पे मास्किंग पे जाके फ्लोर पे क्लिक करके सभी फ्लोर को सिलेक्ट करके क्रिएट फ्लोर कर देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आपकी इस टाइप की कॉम्प्लिकेटेड बिल्डिंग यहाँ पे रेडी हो जाएगी। तो ऐसी कोई भी बिल्डिंग अगर आपको रेडी करनी है, आपको बिल्डिंग्स बनानी है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। मास्किंग में जाके कोई भी शेप कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस टाइप की आपको शेप चाहिए उसी टाइप के शेप में आप कोई भी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और इस टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये था मास्किंग किस तरीके से आप कर सकते हो। आप इसे रियलिस्टिक करेंगे तो ये मेटल का भी आपको दिखाई देगा इस तरीके से, और जब आप रेंडर करोगे इसे तो बिल्कुल वो वाला मटेरियल आपको शो होगा जो आपने वहां पे यूज किया है। तो ये था आज का कि इस टाइप की बिल्डिंग आप किस तरीके से बना सकते हो, प्रोफाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, एक आपके एक लाइक से काफी मोटिवेशन मिलती है और इस टाइप की वीडियो मैं आपके लिए और लेके आता रहूंगा। और अगर आपको कंप्लीट रेविट सीखना है, लाइव डाउट क्लास आपको सॉल्व करवाने हैं, आपको लाइव आप चाहते हो कि मैं लाइव आपको आके पढ़ाऊं, तो आप मेरी ऐप पे जा सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा और आप कोर्स को परचेज कर सकते हो और आप उसे सर्च आउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। प्लीज स्टे सेफ, स्टे होम एंड ऐसे ही देखते रहे। जय हिंद, जय भारत।